नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका एक्सपीरियंस रहा कैंडिडेट्स का SSC MTS 2019 के लिए इन CR रीजन ऑन डे वन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एज दे प्रोमिस्ड कि जिस जिस रीजन में आपका DV होता रहेगा उस रीजन से हम कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस लाते रहेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम प्रदीप वर्मा जी का और एक और कैंडिडेट का, जिन्होंने हमें अपना वॉइस नोट भेजा है और बताया कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कैसे वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, कैसे अदर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और जो भी वहाँ का सीन है वो क्या है, स्पेशली CR रीजन का। NR रीजन का हमने शेयर कर दिया है और ER रीजन का और बाकी रीजन का भी हमने शेयर कर दिया, ऑलमोस्ट सभी रीजन का। तो आज हमने आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं CR रीजन का। प्रदीप वर्मा जी ने अपना एक्सपीरियंस भेजा, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया डाउट ग्रुप तो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा आपको, फेसबुक का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम डाउट ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और ईमेल भी हमारा मिल जाएगा, इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस ऑन ईमेल। तो बात करते हैं आगे। तो इनका कहना, भाइयों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा कल अलाहाबाद में CR रीजन का DV था भाइयों, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, डॉक्यूमेंट बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट मतलब वेरिफिकेशन हो रहा है भाइयों, और टेंशन लेने की कोई और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैं हमेशा आपसे कहते आ रहा हूँ, हम सब कहते आ रहे हैं कि टेंशन मत लो यार, वो खा नहीं जाएंगे आपको, जो भी आपके डॉक्यूमेंट सारे लेके जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो भी आपके बने हुए हैं, पहली बात तो आपको सारे करेक्ट करा लेने चाहिए DV से पहले। अभी DV चल ही रहे हैं, अभी कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, तो जो भी आपके पास है वो लेके जाओ। आगे इनका कहना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 10th मार्कशीट और सनन और एडमिट कार्ड, जो भी आपके पास है, मतलब एडमिट कार्ड आप, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाएं, DV का 10th की मार्कशीट लेके जाएं और सर्टिफिकेट लेके जाएं, अगर कॉमन है तो वो लेके जाएं, और एक फोटो लगेगा आपका, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा आपका, जो भी आपकी कास्ट है तो वो लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और कुछ नहीं, पैनिक और टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये इनका व्हाट्सएप नंबर, आप चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और इनसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इनका कहना है कि 2018, फिर किसी ने पूछा था कि इसका सर्टिफिकेट ऐसे ऐसे है, रवि सैनी जी ने पूछा था कि इनका सर्टिफिकेट है 10 जुलाई 2016 का, तो वैलिड रहेगा या नहीं। इनका कहना है कि भाई 2018 के बाद का होना चाहिए, कोई क्रूशियल डेट का इश्यू ना है, जैसे कि एडमिट कार्ड में दिया है, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड किसी भी डेट का हो, मेनली तो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आपका AWS है, चाहे आपका OBC है, SC ST की तो कोई इश्यू है ही नहीं, पहली बात तो SC ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए तो कोई इश्यू है नहीं। बात करते हैं हम OBC कैंडिडेट के लिए, तो आपका क्रूशियल डेट का इतना सीन नहीं है, प्रोविजनली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपका कितना भी बाद का बना है, बस वो आपका जेन्युइन होना चाहिए, आपका फॉर्मेट जेन्युइन होना चाहिए, और जिस टाइम पे फॉर्म भरे गए ना उस टाइम पे आपकी कास्ट OBC में आनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल इनकम वगैरह सारा OBC में रहना चाहिए। और PWD के बारे में पूछा है, तो PWD का सर्टिफिकेट तो आपका अलग ही है, किसी ने पूछा है रोहन कुमार जी ने, और प्रदीप वर्मा ने इसके रिप्लाई में कहा कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट डिफाइन करने के लिए मांग रहे हैं और PWD का सर्टिफिकेट वो अलग होता है। तो ये तो बात हो गई आपके प्रदीप वर्मा जी के एक्सपीरियंस की। अभी हम आपसे एक वॉइस नोट भी शेयर करेंगे जो एक और कैंडिडेट ने शेयर किया है, कंप्लीट हम वॉइस नोट शेयर करने वाले हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि आप हमसे इतना जुड़े हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और ऐसे ही लाइक करते रहे, शेयर करते रहे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं एंड टेलीग्राम डॉट ग्रुप में भी 960 मेंबर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1000 होने वाले हैं, तो जल्दी से आप ये भी पूरे कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने और कैंडिडेट जुड़ेंगे उतना ही हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि आज इतने कैंडिडेट जुड़े हैं तो ही मैं आपसे इनका एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, अगर ये नहीं जुड़ते तो मैं कहाँ से करता, और आप जुड़ोगे तो आप भी किसी ना किसी की हेल्प कर ही पाओगे। तो जैसे अभी भी कोई ना कोई टाइपिंग कर रहा है, तो कंटिन्यूसली दिन में 1000+ मैसेज आते हैं ग्रुप में, या मे भी ज़्यादा, तो आप जुड़ जाएँ। और चलिए अभी देखते हैं उनका क्या कहना है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है थ्रू अ वॉइस नोट। हेलो सर, आज मेरा DV था, तो DV का टाइम तो वैसे 3:30 बजे का था, बट एंट्री तो जिस टाइम पर आता उसी टाइम पर एंट्री कर दो, कोई टाइम की वो बाउंडेशन नहीं थी कि हाँ भाई 3:30 है तो 3:30 बजे ही आना पड़ेगा। मेरा 3:30 का था, मैंने 2:30 बजे एंट्री की थी, फिर उसके बाद उनका सिस्टम वर्क कम कर रहा था तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग गया था। हाँ बाद में आए तो वो भी पहले चले गए थे,
हमारी एक रो अलग बना रखी थी, उस रो का सिस्टम बड़े स्लो वर्क कर रहा था। तो मैं 2:30 बजे अंदर एंट्री हुई थी, मैं निकला हूँ 6:50 पे, लास्ट स्टूडेंट था मैं। और जो बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कि वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप UR से हो तो उसमें कुछ नहीं मांग रहे, आपका 10th सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो, सिर्फ 3 ID और कुछ नहीं मांग रहे। हाँ अगर आप क्वालिफिकेशन दिखाते हो तो 12th तक दिखा दो, 12th के बाद वो वैसे भी नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो मना कर देते हैं कि हमें और डिग्री की ज़रूरत नहीं है, MTS की वैकेंसी है, 10th दे दो तो बढ़िया है, अगर 10th के बाद ज़्यादा करते हो तो आप 12th दे दो बस, वो मांगते नहीं, वो 10th ही मांगते हैं। मेरे ज़्यादा फोर्स करने बोला चलो आप अपनी 12th की दे दो, तो मैं अपनी 12th की भी दे के आया हूँ उनको। हाँ बच्चे थोड़े एबसेंट थे, 4 बैचों में मिला के ये मान लो 90% अटेंडेंस रही है आज की। हाँ हाँ सभी बच्चे दूर दूर से आए हुए थे काफ़ी, तो अटेंडेंस अब यहाँ रोड भी जाम है, अब दिल्ली में तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है आने जाने में। तो हाँ सबसे बड़ी बात, वहाँ पर जो फ्रॉड बच्चे उनको पकड़ के अलग से बैठाया जा रहा है, जितने ही फ्रॉड बच्चे हैं उन सबको अलग बैठाया जा रहा है। क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा था, उसका 98 नंबर थे 100 में से, उनसे ये पूछा गया था कि आपके 98 नंबर आए, कितनी तैयारी की थी आपने, अच्छा ये बता दो आपके MTS में सब्जेक्ट कौन कौन से थे जो आपने क्लियर किए हैं। वो लड़का सब्जेक्ट नहीं बता पाया, उसने कहा सर हिंदी इंग्लिश, बोला हिंदी तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, रीजनिंग मैथ ही होते हैं। उन्होंने उसी टाइम उस लड़के को एक साइड में बैठा दिया, आप यहाँ पे बैठ जाओ। एक लड़के के साइन मिसमैच हो गए थे वहाँ पे कुछ और साइन थे, उन्होंने कुछ और किए, इस कारण भी वो बाहर हो गए। हाँ OBC का कोई वो नहीं है, सभी के चल रहे हैं, प्रोविजनल दे रहे हैं वो, OBC में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर 3:30 बजे की आपकी एंट्री है लास्ट शिफ्ट की, आप 4 बजे तक भी जा सकते हो, कोई वो नहीं है कि हाँ 3:30 बजे ही आना है, 2 बजे चले जाओ, 2:30 बजे चले जाओ। हाँ इनकी लास्ट टाइम कुछ भी नहीं है कि भाई 6 बजे ही है, 7 भी 8 भी, जब तक लास्ट बच्चा DV नहीं होया चाहे 11 बजे 11 बजे तक आपका DV करवा के भेजेंगे ये। और मैं आपको थोड़ी ही देर में अपना कॉपी जो DV की है वो शेयर करूँगा। ओके तो दोस्तों आपने इनका भी अब एक्सपीरियंस सुन ही लिया होगा कि इनका क्या कहना है, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। और NR रीजन से भी हमने बता दिया, CR रीजन से भी बता दिया, बाकी सभी रीजन से भी बता दिया, जो भी एक आध बच्चे रहे हैं आपके रीजन, जैसे जैसे एक्सपीरियंस रहेगा KKR वगैरह तो उनका भी हम बता ही देंगे। और मेरी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो है 7 तारीख को, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करूंगा, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहेगा कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि साथ ही जो कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल हो उनका भी एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाया जा सके। तो ये सभी आपको बताना था, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं, कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे दूर ना जा पाए, और सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, ठीक है, वो घंटा बजा देना और आप तक प्रसाद पहुँचता रहेगा। तो जोक्स पार्ट, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर देना, बने रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में इसी तरह की। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।